आप सोचो बासिल जब पैदा हो रहा था और बड़ी आपकी इमोशनल वो कहानी आपने बताई, आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त जब सभा का ऑपरेशन चल रहा था, और आपने कहा कि एक बड़ी एक इमोशनल आपके लिए मोमेंट थी, क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा महसूस हुआ, फीलिंग आई कि सब ठीक हो गया। ऐसा ही था। तो इन्होंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी। यू ऑन दी अदर हैंड, जब आपका इतना जिंदगी का एक इतना बड़ा माइलस्टोन, इतना बड़ा एक लम्हा था और माज आपके साथ नहीं थे, were you upset, were you angry, were you sad, were you frustrated? आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, ये बात अभी तक मुझसे किसी ने पूछी नहीं, होना मैंने अभी तक किसी को बताई है। मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। मतलब बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मास की फ़्लाइट थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपका ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल बेबी था मेरा, और फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि मंथ अर्लियर, एक महीना पहले, एक महीने पहले तक सब कुछ सही था। और जैसे ही मास गए और मैं डॉक्टर के पास गई, उसी दिन हम लोग मास को छोड़ के 11 बजे 5 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बस इसी इस तरह की सिचुएशन है और अब ये होगा। तो बस वो उस टाइम मैं गई हुई भी अकेली थी, तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई कि मास भी नहीं है और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे। तो मतलब पूरे रास्ते में आई, मैं घर आके रो रही थी। फिर मास की दादी को बुलवाया पापा ने, फिर दादी आई, फिर दादी ने मुझे दिलासा दिया कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है, कभी भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मेरी मम्मा को बुलवाया, फिर मम्मा ने आशा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बेबी नहीं कहना, जब तक मास नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, मतलब ये था। फिर मैं पूरी रात लेटी रही, फिर मैं सोचती रही कि अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बस यही था। फिर मैंने हार मान ली और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। फिर बस यही था, वेट कर रहे थे कि मास जल्दी आ जाए, कोशिश करें कि मतलब जब बेबी होने वाला हो तब पास हो, मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं थी भाई, पर नहीं आ सके। आपके कितने टाइम बाद आए थे डिलीवरी के? 6 दिन, 5वें दिन आए थे। 5वें नहीं, डिलीवरी के मैं 5वें दिन, हाँ 5वें या 4वें दिन आए थे, ऐसे ही कुछ होगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम कभी आपको ये बुरा भी लगा कि यार कि व्हाई इज ही नॉट हियर? बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं जा रही थी ना, मतलब डॉक्टर ने कहा चले आप लास्ट कॉल करनी है आपने अपने हस्बैंड को या किसी को करनी है तो कर लें, बात कर लें, तो मैंने की थी, वो व्लॉग भी है। मैं बहुत रोई थी, मतलब मुझे ये था कि काश वो मेरे पास होते, मतलब मैं हक करती, मतलब वो बहुत इमोशनल वो होता है। पास ही था, पास मैं जिस जगह पे था वहाँ से पास ही था मैं, तो कि अगर इसमें ये भी चीज़ है, देखिए अगर मैं वहाँ नहीं होता तो अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह आपको बुलाता है अपने घर पर। तो मैं अल्लाह के पास था और मैं ये सोच रहा था कि जो कंडीशन थी, जो डॉक्टर बता रहे थे जैसा कि भाई बेबी मसले में है, उसको अभी करना है हमने सी सेक्शन, ठीक है। तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर ने जब इसको कहा, मैं उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, अब मैं जब उस दिन वहाँ जा रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा कि मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है। तो कि वहाँ पर आप दुआ करो और आप जिस दिल से जाते हो, जो आपका जज्बा होता है वहाँ पर, जितना करीब हो जाते हो अल्लाह ताला से, तो वो जज्बा था मेरा और मैं वहाँ पर दुआ कर रहा था और यहाँ पर ठीक हुआ। तो मैं मेरे कनेक्शन में से सोचता हूँ कि कनेक्शन जुड़ा हुआ था इसमें। हाँ, एक ये भी सोच है ना कि अगर वो यहाँ पे हो भी लेते, आपको दिलासा देने के अलावा ऐसा क्या था, क्या कि था? क्या ही कर सकते, क्या करता था? और ये कुदरती एक अमल है, ऑब्वियसली जो भी चीज़ होती है अल्लाह की मर्जी से होती है, अल्लाह की मर्जी से होती है। मैं इसको ये बोल रहा था अगर मैं किसी वेकेशन पे होता तो मैं इसको रिग्रेट करता कि भाई मेरी गलती है सारी, लेकिन अभी मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जिस जगह पे गया था वो तो अल्लाह के बुलावे से ही बंदा जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मुझे पता चली, मुझे नहीं पता थी, कल ही मुझे पता चली जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि बासिल माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है बहुत सारी मीम्स बासिल के ऊपर भी बनी, ये क्या मतलब, ये क्या है, ये क्या सीन है? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ना अभी चीज़ें नहीं होना शुरू हुई हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पाकिस्तान में व्लॉगिंग डेली नहीं आई है, पहले भी लोग करते हैं, आपको पता है बाहर के मुल्कों में लोग कर रहे होते हैं, और यहाँ पर नहीं आई थी, ठीक है। एक फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स हैं जो कि घर में टीवी भी देख सकते हो, मोबाइल भी देख सकते हो। अब क्या सीन है कि आप देखते होंगे चैनल्स वगैरह, छोटे बच्चों के ला तादाद चैनल्स हैं जो कि गोरे बनाते हैं, ठीक है, दुनिया में उसमें कार्टून, वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड, वो बच्चों के चैनल्स हैं। अब यहाँ पर मैंने बच्चों पर स्टार्ट किया बासिल पे, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब से हूँ, मेरा बच्चा आएगा उसको भी मैं यूट्यूब पर लाऊँगा, क्या मैं उसको साइड पर कर दूँगा? नहीं, स्टार्ट क्या किया, मतलब फीचर करना शुरू किया? हाँ, फीचर करना शुरू किया बच्चे को, वो ऑब्वियसली बातें करूंगा जब मैं डेली व्लॉगर हूँ, वो मेरे घर में है, मेरा ही है, तो मैं तो लूंगा। तो मैंने उसको लेना शुरू किया, लोगों का बैकलैश आया कि भाई इसको क्यों ले रहा है, इसके टाइटल क्यों लगा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उनको पता यही समझ नहीं आता असल में, उनको नहीं, क्या कॉमेंट आए, क्या यार, उनको प्रॉब्लम यही है कि बासिल बासिल कर रहे हो।
तो बासिल बासिल मेरा बच्चा है तो मैं नहीं करूँगा तो क्या मेरा कोई रिश्तेदार करेगा आकर? खुद मेरा बच्चा है, मैंने ही करना है, खत्म हो गई कहानी। नहीं मुझे ऑनेस्टली नहीं, क्या है, क्या इशू? मतलब फेसबुक पे बहुत मीम बन रहे थे पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आपको पता भाई उसका बच्चा है, क्या करे वो, क्या मतलब इशू? मुझे ऑनेस्टली इशू नहीं समझ में आया कल से, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉब्लम नहीं, इशू कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि मैं टाइटल्स लगा रहा था अपने बच्चे के, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी ऑडियंस। वो ये कह रहे हैं कि यूजिंग योर बेबी एज क्लिक बेट। या नहीं क्लिक बेट तो नहीं, क्लिक बेट वो है कि उसके अंदर बेबी ना हो और मैं बेबी का डाटा लगा रहा हूँ, या तो मेरा बेबी नहीं हुआ और मैं बेबी बेबी कर रहा हूँ। क्लिक बेट वो इशू इस बात से था कि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोई माँ बाप बनता है तो उनको चीजें बतानी होती है, मतलब हम लोग घर में भी खानदान में अगर वीडियो नहीं भी बनाते तो बताते हैं आज हमारे बच्चे ने, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये बताते हैं, मदर्स बहुत सारे ब्लॉग्स बनाती हैं और एक होती है और अच्छी बात है, लोगों को करना चाहिए। देखिए एक आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप करो, आप क्यों किसी की वजह से नहीं कर रहे हो कि मेरे खानदान में क्या बोलेगा? अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि न्यू पेरेंट्स अपनी जो पेरेंटहुड में एंटर हुए हैं एंड वेरी यंग, ये 22 21 साल के ये लड़का लड़की पेरेंट्स बन गए हैं और अब ये 23 साल के, तो अब ये अपनी पेरेंटहुड के बारे में आपसे अगर शेयर करें क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस वो चाहे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लोग अच्छा लगा है बस लोग जाली, क्योंकि मैंने वो व्लॉग्स देखे नहीं है, सो आई डोंट नो वो लोग जाली, आपने कोई ऐसी बात की इन्होंने, कोई सिंपल व्लॉग है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा जाली सी है और कुछ भी नहीं होता, बस यही है कि बाहर वाले अच्छा, बाहर वाले अगर बुरा भी करेंगे ना उसको फिर भी अच्छा बोलोगे, अपने वाले अगर अच्छा करें या बुरा करें तुम उसको बुरा ही बोलोगे, हाँ बस ये बात है। अच्छा ये एक सवाल मेरी टीम ने मुझे दिया है, यस अब जो टीम